गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हमारा भावार्थ आधा रह गया था, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सुनिए आप लोग ध्यान से, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तक प्रत्येक मनुष्य को एक समान अनुपात में उसका सुख भाग प्राप्त नहीं होता, कौमा, तब तक चारों ओर सुनाई पड़ने वाला यह कोलाहल और शोर शराबा अनेक प्रयास करने पर भी शांत नहीं हो सकेगा, पूर्णविराम, फलस्वरूप सभी तरफ संघर्ष का ही बोलबाला होगा, पूर्णविराम, पैराग्राफ चेंज। मानव अपने कर्तव्य को भूलकर संदेह के जाल में फंसकर रह गया है, पूर्णविराम, भयभीत होकर वह अपनी शक्ति को बढ़ाने और सांसारिक चीजों का संग्रह करने में जुटा हुआ है। ऐसे में शांति की कल्पना करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है, पूर्णविराम, पैराग्राफ चेंज। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर अनेक प्रकार के सुखों का इतना विशाल भंडार दिया हुआ है कि यदि उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो धरती के सभी मानव भी उसका उपभोग करके उसे खत्म नहीं कर सकते, पूर्णविराम, पैराग्राफ चेंज। अंत में भीष्म पितामह कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को सुखों का जो अमूल्य भंडार दिया है, कौमा, उससे धरती के सभी मानव तृप्त हो सकते हैं, पूर्णविराम, यदि मनुष्य में परस्पर तालमेल हो तो वे धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, पूर्णविराम, यह बात पूर्णतया सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूर्णविराम। आगे बच्चों आप लोग पेज पलटी कीजिएगा और नेक्स्ट पेज में हमारा टॉपिक रहेगा केंद्रीय भाव। नेक्स्ट हेडिंग केंद्रीय भाव। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें द्र में छोटी ई की मात्रा है जो कि गलत है, आपको इसमें बड़ी ई की मात्रा डालना है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सामने रखा हुआ है, आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और वर्तनी की अशुद्धि उसमें न हो। तो केंद्रीय भाव बच्चों, मतलब केंद्रीय भाव मतलब सेंट्रल पॉइंट, कविता का निचोड़। लिखिए, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, संबोधन चिन्ह, इस धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का इस भूमि पर बराबर का अधिकार है, पूर्णविराम, इसलिए हमें मिल बांट कर प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना हमें मिलकर करना चाहिए, पूर्णविराम, हमें हर व्यक्ति के दुख में दुखी एवं
उसके सुख में सुखी होना सीखना चाहिए। पूर्ण विराम। हे युधिष्ठिर, संबोधन चिन्ह, ईश्वर ने इस संसार में मनुष्यों को सुखों का इतना विशाल भंडार दिया है कि अगर मनुष्य चाहे तो इन सुखों को पाकर तृप्त हो जाए और इस धरती को स्वर्ग बना दे। पूर्णिराम, कहने का अभिप्राय यह है कि आपस में मिलजुलकर काम करने और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उन्हें उचित सम्मान देकर हम जीवन की प्रत्येक समस्या पर विजय पा सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लेंगे। थैंक यू।